नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम रेलवे एलपी साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सिलेबस में दोस्तों अपने हैं नीट परीक्षण, सारणी परीक्षण मीन्स टेबल टेस्ट, एक है क्लॉक टेस्ट, येस और नो टेस्ट, डिजिट टेस्ट, वर्ड फाइंडिंग टेस्ट, न्यू फाइंडिंग टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट, एंगल मेमोरी टेस्ट, नंबर मेमोरी टेस्ट, फिगर टेस्ट एंड रेलवे लाइन टेस्ट और पोजीशन मेमोरी टेस्ट एंड हिडन क्यूब टेस्ट। अब दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट परीक्षण की। तो ईंट परीक्षण में दोस्तों, सबसे पहले मैं ईंट का डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ नॉर्मली कि भाई ईंट होती क्या है। तो सबसे पहले ये कोई अपने पास एक ईंट है, ये कोई अपने पास ईंट है दोस्तों, ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले एक आपको ध्यान रखना है कि जो चार किनारे हैं, जो चार किनारों से मिलकर एक फलक बनेगा या एक सतह बनेगी, और दो सतह से मिलकर एक किनारा बनेगा। तो सबसे पहले ईंट में हम बात करते हैं फलकों की संख्या। फलकों की संख्या अपनी छः होंगी। तो एक फलक, इसके अपोजिट दूसरा, एक तीसरा और इसके अपोजिट चौथा और एक पांचवा और एक इसके अपोजिट छठा। छः फलकों की संख्या हो जाएगी। उसके बाद में किनारों की संख्या देखें। किनारों की संख्या दोस्तों 12 हो जाएंगी। एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा और चार किनारे उधर, 8, 9, 10, 11 और एक इसके नीचे 12। टोटल किनारों की संख्या 12 हो जाएंगी। और कोनों की बात करें दोस्तों, तो कोनों की संख्या अपनी 8 हो जाएंगी। यहाँ पर तीन सतहें मिल रही हैं, वो कोना कहलाएगा। जैसे ये एक सतह है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अभी तीनों यहाँ पे मिल रही हैं तो ये अपना एक कोना कहलाएगा। ऐसे अपने 8 कोने होंगे, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना और चार कोने इधर, तो टोटल 8 कोने हो गए। तो दोस्तों दूसरी बात, ईंट के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात अपना रहेगा 4:2:1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 4:2:1 इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात रहेगा। जब हम दो ईंटों की चौड़ाई, जब दो ईंटों की जो चौड़ाई है, वो दो ईंटों की चौड़ाई अपनी एक ईंट की लंबाई के बराबर होगी। जैसे दो चौड़ाई का अनुपात अपना 2 है, तो जब दो ईंटों की चौड़ाई, तो दो ईंटों को हम सटा कर रख देंगे तो उनकी अनुपात 2+2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि अपना एक ईंट की लंबाई के बराबर अनुपात होगा। अब बात करते हैं अपन ऊंचाई के अनुपात की। तो ऊंचाई का अनुपात 1:1 है अपना। अब जब हम चार ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो उनकी जो ऊंचाई बनेगी वो अपनी एक ईंट की लंबाई के बराबर होगी। जैसे अपने चार ईंटें रख दी एक के ऊपर एक, तो जो इनकी जो ऊंचाई होगी वो एक ईंट की लंबाई के अपनी बराबर होगी। तो अपने को ध्यान रखना है 4:2:1 का रेशियो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ईंट, ये अपनी ये ईंट है, ये हो गए इसके कोने, ये हो गए इसकी सतह और ये हो गया इसका किनोरा, ये हो गया लंबाई में 4:1, ये चौड़ाई हो गया 2:1 और ये ऊंचाई हो गई 1:1। फॉर एग्जांपल एक और है, ये लंबाई होगी 4, चौड़ाई होगी 2, ऊंचाई होगी 3। हमेशा इनका रेशियो 1:4:2:1 होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो। तो दोस्तों, इसमें
आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। अब इसमें टोटल 10 सेट आएंगे, प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। उन 5 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि भाई उन पे ईंटों का एक सेट होगा, एक बॉक्स बना रहेगा, और ईंटों पे ए बी सी डी और ई इस प्रकार से आपके नंबरिंग की होगी। जैसे अब आपको बताना है कि जो एक ईंट है, इस ईंट से कितनी ईंटें लगी है, बी ईंट से कितनी ईंटें लगी है, सी ईंट से कितनी ईंटें लगी है, डी से कितनी लग रही है, मतलब कितनी सटी हुई हैं इनसे, कितनी इस पर ईंटें इनको कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये जो अब इस प्रकार से आपको एक बॉक्स आएगा, अब इसमें अपने को देखना है, मैं आंसर यहीं पे लिख दूंगा। तो इसमें सबसे पहले देखना है अपने को ए ईंट, अब ए ईंट को कितनी ईंटें स्पर्श कर रही हैं। अब देखो दोस्तों, अब जब आपको कोने स्पर्श कर रहे हैं तो वो ईंट स्पर्श नहीं मानी जाएगी। जब दो ईंटों के कोने स्पर्श कर रहे हैं तो वो ईंट स्पर्श नहीं करनी जाएगी, जो सतह स्पर्श कर रही है वही आपको स्पर्श मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक तो ये वाली ईंट है और एक ये वाली ईंट है, अब इन दोनों के किनारे तो स्पर्श कर रहे हैं लेकिन ये स्पर्श नहीं मानी जाएगी। जब सतह से सतह स्पर्श करेंगी तभी वो स्पर्श मानी जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ए ईंट की। अब ए ईंट से देखो कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है, इसके चारों तरफ की हम लोकेशन देखेंगे कि सॉरी दोस्तों, इसके चारों तरफ हम देखेंगे कि इसे कितनी ईंटें स्पर्श कर रही है। देखो ए ईंट के ऊपर एक ईंट, इधर दो ईंट, इधर तीन ईंट और दो ईंटें इधर, तो इसे कुल मिला के 5 ईंटें स्पर्श कर रही हैं। तो हम लिख देंगे कि ए ईंट को अपनी 5 ईंटें स्पर्श कर रही हैं। बी ईंट को देखो, बी ईंट को देखते हैं, ये वाली बी ईंट है। अब बी ईंट को देखो, एक तो इधर एक ईंट यही स्पर्श कर रही है, इधर ये दो ईंट स्पर्श कर रही है, एक ये वाली भी स्पर्श कर रही है, यहाँ पे 3 ईंट और एक ये वाली स्पर्श कर रही है, 4 ईंट। तो बी को 4 ईंटें स्पर्श कर रही है। सी को देखते हैं, अब सी वाली ईंट अपनी ये है, अब सी वाली ईंट के एक ईंट नीचे है, एक स्पर्श कर रही है, एक इधर ये वाली यहाँ पे स्पर्श कर रही है दो, और ये दो ईंटें ऊपर वाली स्पर्श कर रही है, तो 4 ईंटें सी को अपनी 4 ईंटें स्पर्श कर रही है। उसके बाद में डी को देखें, डी वाले देखो, एक ईंट इधर स्पर्श कर रही है और दो ईंटें ऊपर से स्पर्श कर रही है, डी वाले को 3 ईंटें स्पर्श कर रही है। और उसके बाद में ई वाले को देखते हैं, ई वाले में एक ईंट ये यहाँ से इधर बी वाले स्पर्श हो रही है इसके, और नीचे से 2 ईंटें स्पर्श हो रही है, तो ई वाले के अपनी 3 ईंटें स्पर्श हो रही हैं। तो ए में 5, बी में 4, फिर 4, फिर डी में 3 और ई में 3 ईंटें स्पर्श कर रही हैं। अब देखो दोस्तों, ये सेट नंबर था ये 9 वाला। अब 9 वाले सेट नंबर आंसर देखते हैं, 9 वाले, 9 सेट वाले के आंसर दोस्तों, 9 सेट वाला का आंसर था अपना 4, 5, 4, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 3। अब देखो ये 9 सेट में 5, 4, 4, 3, 3। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को आंसर देना है, और तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये साइको टेस्ट ओनली प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम कंज्यूमिंग का जो है वो भी इश्यू ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी कितना भी टाइम लगे, 5 मिनट की जगह 8 मिनट या 10 मिनट आप प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे जो है वो टाइम आराम से कम होता जाएगा, और आप 5 मिनट के अंदर अंदर और भी प्रैक्ट मैं कहता हूँ कि और भी आप 4 मिनट में इसको कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।